दोस्तों, हॉलीवुड की एक नई फिल्म आई है जिसका नाम है ट्रोल। इसे नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दिया गया है। इस फिल्म की कहानी कुछ इस तरीके की है कि वहाँ के पहाड़ी क्षेत्रों में इंसानी धमाकों की वजह से बरसों से सो रहा एक ट्रोल जाग जाता है। ये ट्रोल वही है जिसे आप फिल्म के ट्रेलर में देख सकते हैं, जो कि एक बड़ा सा राक्षस दिखाया गया है। इस राक्षस की खास बात यह है कि ये पत्थर और मिट्टी के मिश्रण से बना है। और दोस्तों, वहाँ के लोग इस ट्रोल के बारे में बचपन से किस्से कहानियों में सुनते आए हैं। और दोस्तों, इस ट्रोल की खास बात यह है कि इस पर किसी भी हथियार का कोई असर नहीं होता है। अब दोस्तों, वहाँ की सरकार इसे किस तरीके से हैंडल करती है, वहाँ के वैज्ञानिक इस पर क्या रिसर्च करते हैं, यही इस फिल्म में दिखाया गया है। अब दोस्तों, इस फिल्म को देखने के बाद मेरा किस तरीके का एक्सपीरियंस रहा है, इस फिल्म में किस तरीके की आपको लोकेशन देखने को मिलेगी, किस तरीके के आपको इफेक्ट देखने को मिलेगी, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। दोस्तों, इस फिल्म का जो सब्जेक्ट है वो थोड़ा थोड़ा करके आपके सामने आता है, यानी जो ट्रोल है उसके बारे में आपको एक बार में पूरी जानकारी नहीं मिलती और यही चीज आपको पूरी फिल्म में बांधे रखती है। इस फिल्म की लेंथ जो है वो 1.25 घंटे की है और नेटफ्लिक्स पर हिंदी में अवेलेबल है। फिल्म में कोई भी चुमाचाटी का सीन नहीं दिखाया गया है, इसलिए आप इस फिल्म को फैमिली के साथ देख सकते हैं। और दोस्तों, ना ही इस फिल्म में कोई न्यूड सीन है जिसे देखकर आपकी आंखें फटी रह जाती हैं, तो इसलिए आप इस तरह की भी कोई उम्मीद ना रखें। दोस्तों, इस फिल्म में काफी देर तक सस्पेंस को बरकरार रखा जाता है, जिससे आपकी दिलचस्पी बनी रहती है। अब बात आती है कि फिल्म मुझे कैसी लगी। दोस्तों, फिल्म एवरेज है, आपको निराश बिल्कुल नहीं करेगी। फिल्म की कहानी एकदम नई है जो कि आपको बोर नहीं होने देती। फिल्म को देखने के बाद आपके पैसे बिल्कुल भी बर्बाद नहीं होंगे, इस बात की मेरी गारंटी है। इस मूवी में जो गजब के सीन दिखाए गए हैं, जो फिल्म की लोकेशन है, वो इस फिल्म में जान डाल देते हैं। और इस मूवी के आखिर में बताया गया है कि इस मूवी का दूसरा पार्ट भी बनाया जा सकता है। तो दोस्तों, मेरे हिसाब से तो ये फिल्म एवरेज है, मुझे अच्छी लगी और इसके इफेक्ट और लोकेशन काफी बढ़िया हैं। तो दोस्तों, मेरी राय तो यही है कि आप इस फिल्म को एक बार जरूर देखिए। और दोस्तों, यदि आपको इसी तरीके से फिल्म के नए टीजर के बारे में जानना हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं मिलूंगा आपसे किसी और नए टीजर के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।